बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे मोस्टली आपको जॉब्स और यूनिवर्सिटी की अपडेट मिलती है और इसके साथ साथ हेल्पफुल वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज जो मेरी वीडियो है इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के हवाले से है। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम बी एड का कोर्स कोड 8607 के हवाले से है। 8607 की ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप लोग ये वीडियो वॉच कर सकते हो और काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं कि किस तरह आप लोगों ने 8607 को जो बुक है उसको फिल करना है, बुकलेट जो उसको किस तरह फिल करना है, उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज जरूरत है, क्या स्कूल जाना आप लोगों के लिए मस्ट है या नहीं है, स्कूल जाने के बगैर भी आप लोग इसको फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, किसी भी स्कूल में चले जाना है, किसी भी ताल्लुक वाले स्कूल में चले जाना है जहाँ पे आप लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता हो, वहाँ पे प्रिंसिपल का नाम, उस स्कूल का नाम, एक टीचर का नाम पूछ लेना है जिसको आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और वो टीचर आप लोगों को ऑब्जर्व करेगा। इनके बुक लेट के ऊपर लिखते वक्त इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम कर लेना है, स्कूल का नंबर ले लेना है, ठीक है, ये चीज़ें लेकर आप लोगों ने घर आ जाना है। घर बैठ कर ये जो मैं आपके साथ टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है, इसको देखते हुए आप लोग ईजिली और सुकून से ये जो है अपना टेम्पलेट बुक लेट जो है ये फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप लोगों ने इस स्कूल में चले जाना है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने उस प्रिंसिपल के साइन करवा लेने हैं, स्कूल की स्टैंप लगवा लेनी है। ये सारा कुछ मैं बताता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों ने स्टैंप लगवानी है, कहाँ पे आप लोगों ने साइन करवाने हैं, और इसके बाद उस टीचर के साइन कहाँ करवाने हैं, जिस टीचर को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर जिस टीचर ने आप लोगों को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को मुकम्मल टेम्पलेट दिखाता हूँ। इसको देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ फिल कर लेनी है, अपनी बुक को फिल कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोग सामने इस तरह का जो एक पेज आएगा जो आप लोग प्रिंट करवा के आओगे, ठीक है, मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607, ठीक है, ये ऐसा लिखा होगा। इसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने इसको फिल कैसे करना है। ये देखिए पहला पेज आ रहा है मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें आप लोगों ने पहले रोल नंबर लिख लेना है, रोल नंबर की जगह आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आई डी कोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है नीचे मजीद स्क्रॉल करना है, ठीक है, मैं नीचे मजीद स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इसको सब कुछ छोड़ देना है। अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे, ठीक है, ये कंटेंट्स आ गए, अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे, ठीक है, तो आप लोगों को जो है ना इसको फिल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आ जाना है आप लोगों ने, ये देखिए अप्रूवल फॉर्म के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूवल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने पहला जो लिखा हुआ है नेम ऑफ ट्रेनिंग टीचर, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है, फिर आ रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, फिर उस यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्कूल का एड्रेस लिख देना है और स्कूल का नाम लिख देना है। इसके बाद आता है मॉनिटर टीचिंग नेम, ठीक है, जिस टीचर को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो उसका नेम लिख देना है, फिर नीचे आता है मॉनिटर सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने उस टीचर के सिग्नेचर करवाने हैं, फिर फोन नंबर ऑफ स्कूल आ जाता है, ठीक है, फिर प्रिंसिपल है टीचर नेम आ जाता है, यहाँ पे आप लोगों ने प्रिंसिपल का नेम लिखना है और नीचे आप लोगों ने स्टैंप लगवानी है प्रिंसिपल की, ठीक है, और नीचे ही आप लोगों ने इसका साइन भी करवाने होंगे। और आगे देखें, आगे यहाँ पे आ जाता है सिंसियरली, ठीक है, यहाँ पे भी उसी प्रिंसिपल के जो है ना साइन होंगे और यहाँ पे स्कूल की स्टैंप लगवा लेनी है, ठीक है। स्कूल स्टैंप लगवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए नीचे आ जाना है सैंपल रिपोर्ट, ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 है, ठीक है, ये आप लोगों ने व्यूअर पर देना, यहाँ पे आप लोगों ने वो रिपोर्ट देनी है जो आप लोग जो है ऑब्जर्व करोगे टीचर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपना नेम लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, फिर उस टीचर का नाम लिखना है, फिर क्लास लिखनी है जिस क्लास में आप लोग गए हो, ठीक है, उसके बाद डेट और टाइम लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखना है रूटीन, ठीक है, रूल और प्रोसीजर, उस टीचर के क्या रूटीन थी, क्या प्रोसीजर थे, ठीक है, ये लिख देने हैं, ये इसी को पढ़कर आप भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मजीद नीचे आ जाना है, ये देखिए सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 के ऊपर, ये भी वैसे का वैसे फॉर्म है, इसको आप लोगों ने वैसे फिल कर लेना है, सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट इसको आप लोगों ने फिल कर देना है, ठीक है। ये टेम्पलेट है, इसको आप लोग देखते हुए थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है, नीचे जहाँ पे क्लास 6 है वहाँ पे आप लोगों ने 7 कर लेनी है, यहाँ पे क्लास 7 लिखी हुई है, यहाँ पे आप लोगों ने 8 कर लेनी है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करते रहना है और इस तरह आप लोगों ने अपनी बुकलेट को फिल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लास रूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म के, आप लोगों ने जब क्लास रूम को ऑब्जर्व किया वहाँ पे क्या था, ये देखिए क्लास टीचर नेम लिख देना है, कोर्स ग्रेड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देना है, ऑब्जर्वर लिख देना है, टाइम लिख देना है, और इसके बाद नीचे आ जाना है, ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है, इसको इस तरह ये देखते हुए आप लोगों ने फिल कर लेना है, बिल्कुल सेम वैसे लिख
लिखते जाएं या थोड़ी बहुत चेंजिंग करते जाएं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये है आप लोगों के सामने जो मैंने टेम्पलेट शेयर करना था। ठीक है, इस टेम्पलेट को देखते हुए आप लोगों ने मुकम्मल अपनी बुक को फिल कर लेना है। फिल कराने के बाद आप लोग उस स्कूल में चले जाना है, वहां पे आप लोगों ने उस टीचर से जो सिग्नेचर कराने, यहां पर बात करते टीचर के सिग्नेचर कहां पर कराने, ये देखिए लास्ट पे हर पेज के लास्ट के ऊपर आप लोगों ने टीचर के साइन करवाने होंगे। ठीक है, जिस टीचर को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या जिस टीचर ने आपको ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये सारा टेम्पलेट है, इसको फिल कर लेना है आप लोगों ने अपने टेम्पलेट को, आप लोगों ने सिग्नेचर कराने हैं और फिर आप लोगों ने क्या करना है वहां पे सबमिट करवा देने हैं, जहां पे आप लोगों का रीजनल ऑफिस है, मीन के जहां पे आप लोगों की वर्कशॉप हुई थी वहां जाकर इसको सबमिट करवा देना है। तो आप लोगों का ये काम 6607 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उसको फिर लिख लेना। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे जो है 12 डेज की आ गया फील्ड नोट्स, यहाँ पे फील्ड नोट्स आ गया 13 डेज की। ठीक है, ये देखिए दो दो पेज हैं इसके, यहाँ पे देखिए 14 डेज आ गया। अब देखिए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आ गई है। ठीक है, कि क्लासरूम को ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स, इस तरह बिल्कुल आप सेम भी इसी तरह लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देनी है वर्डिंग की, जिनके जहाँ पे वो कहता है कि देखिए आप नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 35 कह रहे हैं तो आप 30 लिख देना है, ग्रेड यहाँ पे 7 लिख रहे हैं तो आप लोग 8 लिख देना है। ठीक है, अपना नेम पता सारा कुछ लिखना है, इसको आप लोग देख कर आप लोग अपनी जो है 607 की बुकलेट जो है ये फिल कर सकते हो आसानी से। अगर आप लोग ये जो है डाउनलोड करना चाहते हो, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ वीडियो के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये ही लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप लोग अपनी 607 की जो बुकलेट है उसे फिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नाम आता है तो यहाँ पे जो है ना काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होगा और लिंक कहाँ होगा। तो चलिए मैं आप लोग बताता हूँ कि वीडियो के नीचे कहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास वीडियो है। ठीक है, मेरी वीडियो है, इसके अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ये देखिए ये चीज जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे देखिए अंजम टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके नीचे ये जितना सारा कुछ लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप यहाँ पे शो मोर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप को लिंक वगैरह नजर आ जाएंगे, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कि और वीडियो यहां पे देखता हूं, ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास एक वीडियो है, इसका अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है तो आप लोग क्या करना है, ये देखिए नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है शो मोर, इसमें सारा सारा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहां पे आप लोगों को इसका लिंक मिलेगा। ठीक है, इस तरह आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां से आप लोग ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों दुआओं में याद रखना आपका दोस्त इजाज़, अल्लाह हाफिज़।